जय साईं राम। मैं मोटिवेशनल स्पीकर ग्रंथ राइटर शिरडी साई डिवोटी ब्रिज मंसूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इस कलयुग में सतयुग जैसा हवन कैसे करें। सतयुग में लोग परमात्मा का हवन किया करते थे, बड़ी श्रद्धा के साथ हवन यज्ञ होते थे, अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, आजकल भी किए जाते हैं, परंतु जैसे हवन तब होते थे वैसे हवन अब नहीं होते हैं। या यूं कह लीजिए कि आजकल भी जो हवन होते हैं, यदि हम उनसे भी बचना चाहें, क्योंकि आजकल जीवन व्यस्त हो चुका है, इतना समय नहीं है कि हवन कुंड सजाया जाए, फिर हम देवी देवताओं को आमंत्रित करें, ग्रहों को आमंत्रित करें, फिर हम संकल्प लें, फिर अग्नि प्रज्वलित की जाए और आहुतियां डाली जाएं। कोई ऐसा रास्ता जिससे हवन भी हो जाए और इतना बड़ा कर्मकांड ना करना पड़े, तो क्या ऐसा कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे जैसे समय बदलता गया, समय के साथ साथ साधन भी बदलते गए। आज हवन के स्थान पर, यानी जो हवन सामग्री थी, अग्नि थी, उसके स्थान पर धूप, दीप, अगरबत्ती बना दिए गए हवन सामग्री से, ताकि प्रज्वलित करके हवन जैसा फल पाया जा सके। तो आइए आपको बताता हूं कि कैसे आप सत्ययुग जैसा फल पा सकते हैं, कैसे आप थोड़ा सा प्रयत्न, थोड़ा सा कर्म करके सतयुग जैसे हवन का फल पा सकते हैं। एक अगरबत्ती या फिर गूगल दीप, जो धूप आती है वो ले लीजिए, या अगरबत्ती ले लीजिए। अब इन दोनों चीजों को अपने हाथ में पकड़ लीजिए और जितने आहुति, जितने पाठ का हवन करना चाहते हैं, जैसे एक माला का तो 108 बार, दो माला का तो 216 बार, तीन माला का तो ऐसे 324 बार, ऐसे आप उन दोनों को पकड़कर पाठ करेंगे, यानी जाप करेंगे। जाप करते जाइए और अंत में स्वाहा बोलना है। जैसे हमने सपोज कीजिए, जय श्री राम स्वाहा, जय श्री राम स्वाहा, या हम साईं बाबा का करना चाहते हैं, ओम श्री साई विद्मे सच्चिदानंद की तनो साई प्रचोदयात, या ओम श्री साई स्वाहा, ओम श्री साई स्वाहा, ओम श्री साई स्वाहा। जो भी मंत्र, जो भी गुरु का नाम, परमात्मा का नाम जाप करके आप हवन करना चाहते हैं, आप अंत में स्वाहा बोलते हुए उसको अपने हाथों में रखें, अगरबत्ती और धूप को, और फिर थोड़ी देर बाद आप पकड़ लीजिए अगरबत्ती को, और अगरबत्ती को नीचे से ऊपर की ओर हाथ घुमाते जाइए, जैसे नीचे से पकड़ा ऊपर की तरफ हाथ जाता जाए और जाप आपका चलता जाए। अब ये दोनों चीजें हवन के लिए तैयार हो चुकी हैं और आपका आधा हवन एक तरह से हो चुका है। अब इन दोनों चीजों को प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने से ये अपना स्वाभाविक धुआं छोड़ेंगी, जैसा कि धूप और अगरबत्ती छोड़ती हैं, तो ये एक तरह से आपका हवन हुआ, क्योंकि वो हवन सामग्री है, अग्नि प्रज्वलित कर दी है और आहुतियां आप पहले ही डाल चुके हैं। यदि आप जो धूप है उसको थोड़ा सा देसी घी लगा लें तो और भी अच्छा है, यदि लगा सकते हैं, अदरवाइज घी उसमें डाला होता है पहले से। तो ये आपका कलयुग का हवन है, यानी आज व्यस्त जीवन में यदि आप हवन करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से हवन कर सकते हैं। यदि आप सीधा हवन कर सकते हैं तो आप अग्नि प्रज्वलित करके भी हवन कर सकते हैं, परंतु वो रोजाना नहीं किया जा सकता है। तो आप इस प्रकार यदि प्रतिदिन करें, एक माला का ही कर लें, 108 बार का जाप करें और प्रज्वलित कर दें, तो आपको हवन जैसा फल मिलता है, क्योंकि हवन सामग्री से बनी हुई
अगरबत्ती और धूप प्रज्वलित हो रही है, उसके साथ आपका जाप किया हुआ, जो आपने जाप किया आहुति के रूप में, वो चल रहा है, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आप तक आएगी आएगी। हमें प्रत्येक चीज के लॉजिक पर जाना चाहिए। हम हवन करते हैं या सतयुग में हवन होते थे तो किस लिए होते थे? ताकि हवन अग्नि प्रज्वलित की जाए और जब उसमें आहुति डाली जाए तो उसके धुएं के साथ हमारा जाप ऊपर की तरफ बढ़े और हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले और वह धुआं पवित्र आत्माओं से गुजरता हुआ जब निकले पवित्र आत्माओं के आगे से, तो हमारी मनोकामनाएं उन तक पहुंचे। तो हमने भी वही किया, हमने धूप और अगरबत्ती को आहुति के रूप में पहले अभिमंत्रित किया, फिर हमने उनको प्रज्वलित किया। तो अब जब उनका धुआं पवित्र आत्माओं के आगे से निकलेगा तो हमारी मनोकामनाएं भी साथ साथ चल रही हैं और उनके प्रज्वलित होने से वातावरण शुद्ध होगा, आपका निवास शुद्ध होगा और बुरी आत्माओं का या नेगेटिव वाइब्रेशन का वास नहीं हो पाएगा और सब कुछ पवित्र होगा। मेरी बात को आप भलीभांति समझ चुके होंगे कि जब धुआं चारों तरफ फैलेगा तो वातावरण शुद्ध होगा, धुआं ऊपर की तरफ उठेगा तो पवित्र आत्माओं तक हमारी मनोकामनाएं पहुंचेंगी और पॉजिटिव वाइब्रेशन का वास हमारी तरफ आकर्षित होगा और हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार हमने वह फल जो सतयुग में बड़ी मेहनत के साथ मिलता था वह हमने बड़ी आसानी से ले लिया। अब इसका कारण क्या है? सतयुग में ऐसा क्यों नहीं होता था? सतयुग में ऐसा इसलिए नहीं होता था कि उस समय वातावरण पूर्णतया पाठ पूजा वाला होता था। हर घर में पाठ पूजा होती थी, प्रत्येक व्यक्ति नित्य कर्म करता था तो पाठ पूजा करनी आसान थी। सबको देखकर, सबके साथ मिलकर कुछ भी करना आसान होता है, सरल होता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, पाठ पूजा से लोग विमुख होते गए और अपनी दिनचर्या में व्यस्त होते गए। आज पाठ पूजा करना या हवन करना उतना आसान नहीं रह गया है और इसलिए साधन बदलते गए। और आज हम यदि हल्का पाठ भी कर लेते हैं तो वो एक तरह से तपस्या के बराबर है। कलयुग ने राजा परीक्षित को कहा था, जब कलयुग प्रवेश कर रहा था तो राजा परीक्षित ने उसको रोका कि मैं तुझे अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दूंगा, तेरे आने से जीव मदिरा का सेवन करेंगे, जुआ खेलेंगे, वैश्यावृत्ति करेंगे, झूठ बोलेंगे। तब कलयुग ने कहा कि राजन, मेरे अवगुणों को तो तूने देख लिया लेकिन जो मेरे अंदर सद्गुण है उसको तो तूने देखा नहीं। कहते तेरे अंदर सद्गुण क्या है? कहते मेरे आने से जो 100 वर्ष तक तपस्या करते थे जो फल उन्हें मिलता था, मेरे आने के बाद यदि व्यक्ति मात्र हरि कीर्तन कर लेगा तो उसे वही फल मिलेगा। यानी 100 साल तपस्या कर रहे हैं साधु संत सतयुग में और कलयुग में मात्र हरि कीर्तन यानी एक साईं संध्या या जागरण अटेंड कर रहा है कोई, तो उसको उतना फल मिलेगा। कारण कि इतना कर पाना भी आसान नहीं है। सतयुग में तपस्या करनी आसान है, हवन करना आसान है, कलयुग में हरि कीर्तन करना मुश्किल है, घर में जोत जलाना और अगरबत्ती जलाना मुश्किल है। आप देखते होंगे कि हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है और जो करता है उसे बहुत पाठ पूजा करने वाला माना जाता है। करता क्या है? मात्र जोत जलानी, अगरबत्ती जलानी, 5 मिनट पाठ करना, उसको भी बोला जाता है कि ये व्यक्ति बहुत पाठ पूजा करने वाला है। कारण सिर्फ इतना ही है कि उस समय सब कुछ आसान था, सरल था, आज बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए जब लाइफ में आपको समय मिले या परमात्मा मौका दे पाठ पूजा का या साईं संध्या का या जागरण का, भजन कीर्तन में बैठने का, तो उसका पूर्णतया फल उठाइए, पूर्णतया उसमें डूब जाइए। तो ये तरीका मैंने जो आपको बताया, इस ढंग से आप परमात्मा के करीब जा सकते हैं और कलयुग में सतयुग के हवन का मजा और फल ले सकते हैं। तो अब मुझे इजाजत दीजिए और यदि आप चाहते हैं ऐसी बहुत सारी वीडियो आप तक घर बैठे पहुंच जाएं, तो राइट साइड पर सब्सक्राइब लिखा है उस बटन को दबा दीजिए।
नीचे से एक बेल का बटन निकलेगा, उसको भी दबा दीजिए। इससे जब जब मैं वीडियो डालूंगा वह आप तक जरूर पहुंचेंगी, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, फ़ायदा उठा सकें। और यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं, जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, या आपकी कोई समस्या है, तो व्हाट्सएप लिख कर कीजिए, 3 या 4 दिन में जवाब मिलेगा। फ़ोन मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए 9814450802। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।